टाइम है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे ट्रैक में बने रहे, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना होए। तो मतलब अभी आप लोग नर्चर में हैं, तो फिर अभी अभी तो आप घर से आए तो आपको थोड़े घर की याद आ रही होगी, फ्रेंड्स की याद आ रही होगी, तो बस ये टाइम आप खुद को संभाल लो, थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ, फिर उसके बाद तो आपको भी ऐसी सनक लगेगी, इसके पीछे आप भी इतने बिजी हो जाओगे कि बस फिर आपको पढ़ाई पढ़ाई सूझेगी और फिर मतलब और कॉम्पिटिटिव है, फिर बाद का टाइम पूरा मस्त संभल जाएगा। बस अभी आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट लगाओ। देखा शेड्यूलिंग हुआ करती थी आपकी पढ़ने की, वो क्या स्ट्रेटजी आप मेंटेन करते थे, स्पेशली फॉर दिस केमिस्ट्री बायो, इसमें टाइम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है और पर डे एटलीस्ट हमें सेल्फ स्टडी के कितने आवर्स निकालने चाहिए, प्लीज बताएं एक बार। क्लास के बाद सेल्फ स्टडी के लिए अभी जैसे शुरुआत में थोड़ा जो बात कर रहा है ना वो हम लोग को पढ़ाता है, क्या पता है बायो, तो अराउंड आप 5 से 6 घंटा तो अभी पढ़ो ही, फिर आपको धीरे धीरे आपको खुद को पता चलेगा कि कैसे और ज्यादा टाइम है, मतलब अभी तो आपकी शायद क्लास भी थोड़े कम टाइम की लगती है या कम दिन, तो